दोस्तों, वार्षिक वेतन बढ़ोतरी यानी कि 1 जनवरी और 1 जुलाई को छुट्टी पर होने से क्या पड़ेगा आपके वार्षिक वेतन बढ़ोतरी पर असर, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। दोस्तों, जैसे कि नया साल शुरू होने जा रहा है और नए साल के साथ साथ में लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को वार्षिक वेतन बढ़ोतरी का लाभ भी 1 जनवरी को दिया जाएगा, लेकिन किसी वजह से हमारे काफ़ी सारे दोस्त छुट्टी पर रह जाते हैं और इस छुट्टी पर होने का उनके वार्षिक वेतन बढ़ोतरी पर क्या असर पड़ेगा, उनको वार्षिक वेतन बढ़ोतरी का लाभ कब से दिया जाएगा, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के वार्षिक वेतन बढ़ोतरी को लेकर 16 फरवरी 1989 को कार्मिक विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया था और उस आदेश में केंद्रीय कर्मचारियों के वार्षिक वेतन बढ़ोतरी पर विभिन्न प्रकार की छुट्टियों का पड़ने वाला जो असर है उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है और उसी आदेश के आधार पर ये वीडियो आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं। तो जैसे कि अब 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वार्षिक वेतन बढ़ोतरी की तारीखें दो फिक्स कर दी हैं, एक 1 जनवरी और दूसरी यहाँ पर 1 जुलाई। 6वें वेतन आयोग में सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई को ही वार्षिक वेतन बढ़ोतरी का लाभ दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन है कि वार्षिक वेतन बढ़ोतरी का लाभ पाने के लिए एक केंद्रीय कर्मचारियों को पिछले 6 महीने की सर्विस पूरी कर लेना चाहिए, तभी जाकर केंद्रीय कर्मचारियों को वार्षिक वेतन बढ़ोतरी का लाभ दिया जाता है। इसके अलावा एक वार्षिक वेतन बढ़ोतरी पाने के लिए केंद्रीय कर्मचारी को अगले 1 साल का इंतजार करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर जान लेते हैं कि यदि कोई केंद्रीय कर्मचारी छुट्टी पर है तो क्या उसकी वार्षिक वेतन बढ़ोतरी पर असर पड़ेगा उसके बारे में। दोस्तों, फिलहाल यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कुछ ऐसी छुट्टियाँ हैं जिनका कि आपकी वार्षिक वेतन बढ़ोतरी पर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसी छुट्टियाँ हैं यदि आप उन छुट्टियों को लेते हैं तो आपकी वार्षिक वेतन बढ़ोतरी पर असर पड़ता है। तो यहाँ पर जो छुट्टियाँ हैं कि यदि आप 1 जनवरी और 1 जुलाई को आप कैजुअल लीव लेते हैं या फिर आप RH लेते हैं तो उनका आपके वार्षिक वेतन बढ़ोतरी पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। तो दो छुट्टी ऐसी हैं जो कि यदि आप लेते हैं CL और RH, इनका आपकी वार्षिक वेतन बढ़ोतरी पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। यदि 1 जनवरी और 1 जुलाई को भी यदि कोई जनरल हॉलीडे है, क्लोज हॉलीडे है, तो उसका भी आपकी वार्षिक वेतन बढ़ोतरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको 1 जनवरी और 1 जुलाई से ही वार्षिक वेतन बढ़ोतरी का लाभ दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा 7 अन्य ऐसी छुट्टियां हैं जिन पर यदि आप हैं 1 जुलाई और 1 जनवरी को तो आपकी वार्षिक वेतन बढ़ोतरी पर असर पड़ेगा। तो यहाँ पर जान लेते हैं कि यदि कोई केंद्रीय कर्मचारी 1 जनवरी और 1 जुलाई को निम्न प्रकार की छुट्टियों पर हैं तो वो 1 जनवरी और 1 जुलाई को वार्षिक वेतन बढ़ोतरी पाने के हकदार नहीं हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है कि यदि एक केंद्रीय कर्मचारी अर्नड लीव यानी कि EL पर है, लीव नॉट ड्यू LND पर है, चाइल्ड केयर लीव पर है, पैटर्निटी लीव पर जो केंद्रीय कर्मचारी है, इसके अलावा आप EXOL विद और विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट पे, सॉरी विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट यानी कि आप EXOL पर हैं, इसके अलावा यदि आप कमिटेड लीव विद एंड विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट और हाफ पे लीव, यदि आप इन 7 प्रकार की छुट्टियों पर हैं तो आपके वार्षिक वेतन बढ़ोतरी को पोस्टपोन्ड कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा भी ये समझाया जाएगा कि किस तरीके से केंद्रीय कर्मचारियों की वार्षिक वेतन बढ़ोतरी प्रभावित तो होने वाली है छुट्टियों की वजह से। तो अब आपको ये मालूम चल गया होगा कि कौन सी ऐसी छुट्टियाँ हैं जो कि आपके वार्षिक वेतन बढ़ोतरी को प्रभावित करती हैं और कौन सी छुट्टियाँ वार्षिक वेतन बढ़ोतरी को प्रभावित नहीं करती हैं। तो अब यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि यदि कोई केंद्रीय कर्मचारी EL पर है, हाफ पे लीव पर है, EXOL पर है और मैटरनिटी के अलावा पैटर्निटी लीव पर भी है तो उसकी वार्षिक वेतन बढ़ोतरी यहाँ पर प्रभावित कर दी जाएगी। तो मान लीजिए कि एक केंद्रीय कर्मचारी 45 दिन की छुट्टियों पर है, 11 नवंबर 2021 से लेकर 25 जनवरी 2022 तक, और उस केंद्रीय कर्मचारी ने 26 जनवरी को मान लो क्लोज्ड हॉलीडे रहेगा, लेकिन यदि वो यहाँ पर रिपोर्ट करता है अपनी ड्यूटी को तो उसे भी यानी कि 25 जनवरी छुट्टी खत्म हो जाएगी, 26 को उसे रिपोर्ट करना है, लेकिन 26 को भी यदि छुट्टी यहाँ पर पड़ जाती है तब भी उस केंद्रीय कर्मचारी को 25 तारीख को ड्यूटी ज्वाइन कर लिया मान लिया जाएगा। तो ऐसे केस में उस केंद्रीय कर्मचारी को 11 नवंबर 2021 से लेकर 25 जनवरी 2022 तक उसके पे इन अलाउंसेस जो कि छुट्टी पर जाने से पहले थे उसका भुगतान किया जाएगा लीव सैलरी के रूप में। इसके बाद में जैसे ही वो केंद्रीय कर्मचारी 26 तारीख को ऑन ड्यूटी माना जाएगा तब से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक उस केंद्रीय कर्मचारी को वार्षिक वेतन बढ़ोतरी का लाभ दिया जाएगा, यानी कि
उस केंद्रीय कर्मचारी को जो वार्षिक वेतन बढ़ोतरी है वो यहाँ पर 26 जनवरी 2021 से प्रभावी होगी। तो इस तरीके से उस केंद्रीय कर्मचारी को आप देख सकते हैं कि 1 जनवरी 2022 से लेकर 25 जनवरी 2022 तक का जो पीरियड है उसके लिए पुरानी बेसिक सैलरी के हिसाब से ही सैलरी का भुगतान किया जाएगा। उस केंद्रीय कर्मचारी को वार्षिक वेतन बढ़ोतरी का लाभ 26 जनवरी 2022 से ही दिया जाएगा। तो इस तरीके से उस केंद्रीय कर्मचारी को ईएल पर होने की वजह से उसका जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो यहाँ पर उसे 25 दिन बाद में मिला है, लेकिन आगे के जो इंक्रीमेंट है वो उस केंद्रीय कर्मचारी के प्रभावित नहीं होंगे। उस केंद्रीय कर्मचारी का नेक्स्ट जो हुआ एनुअल इंक्रीमेंट है वो 1 जनवरी 2023 को ही दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से यदि कोई केंद्रीय कर्मचारी छुट्टी पर है तो उसका एनुअल इंक्रीमेंट प्रभावित होता है, यानी कि उस जो छुट्टियों का पीरियड है उतने दिन के लिए वो पोस्टपोन्ड हो जाता है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी, आपके कुछ डाउट क्लियर हुए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।